हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिवा लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो श्री बालाजी विद्यापीठ डीम यूनिवर्सिटी से आई काफ़ी अच्छी मेडिकल कॉलेज है, जो पौंडीचेरी में स्थित है। इस कॉलेज में MD MS की सीट मैट्रिक क्या रहेगा और एनुअल फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने पूरी डिटेल दे रखी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो उनमें टोटल 3 सीटें हैं, और जनरल कोटा की जो फीस है वो 4 लाख है। फार्माकोलॉजी में 1 सीट है, फीस की बात करें तो 4 लाख है। कम्युनिटी मेडिसिन में 2 सीट है और फीस 4 लाख है। फॉरेंसिक मेडिसिन में 3 सीट है और 4 लाख की टोटल एनुअल फीस जनरल कोटा की है। पैथोलॉजी में 3 सीट है और 20 लाख की टोटल जनरल कोटा की फीस है। NSCA की बात करें तो NSCA में जो टोटल जनरल कोटा की सीट है वो 8 है, और NRI कोटा की 1 सीट है, और 32 लाख की जनरल कोटा की फीस है, और $60,000 की NRI कोटा की फीस है। ऑप्थोमोलॉजी में 3 सीटें हैं और NRI कोटा में 1 सीटें हैं। सेम फीस रहेगी 32 लाख की जनरल कोटा की और $60,000 की NRI कोटा की। ENT की बात करें तो जनरल कोटा की 2 सीटें हैं और NRI कोटा की 1 सीटें हैं। सेम फीस रहेगी 32 लाख जनरल कोटा की रहेगी और $60,000 NRI कोटा की रहेगी। जनरल मेडिसिन में टोटल जो जनरल कोटा की सीटें वो 8 है और NRI कोटा की 2 सीटें हैं। 40 लाख की जनरल कोटा की फीस रहेगी और NRI कोटा की $68,000 की रहेगी NRI कोटा की फीस। जनरल सर्जरी में जनरल कोटा की जो सीटें हैं वो 8 है और NRI कोटा की 2 सीटें हैं। 40 लाख की जनरल कोटा की फीस रहेगी और $68,000 की NRI कोटा की फीस रहेगी। PDA की बात करें तो PDA में टोटल जनरल कोटा की जो सीट है वो 5 है और NRI कोटा की 1 सीट है, और 40 लाख की जो फीस है वो जनरल कोटा की रहेगी और $68,000 की NRI कोटा की फीस रहेगी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो उनमें जो टोटल जनरल कोटा की सीटें है वो 2 सीटें हैं, और 40 लाख की टोटल जो फीस है वो एनुअल फीस जो माना जाता है वो जनरल कोटा की फीस रहेगी 40 लाख की। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो जनरल कोटा की ऑर्थोपेडिक्स की जो टोटल सीट है वो 5 है और NRI कोटा में 1 सीट है, और 48 लाख की जनरल कोटा की फीस रहेगी ऑर्थोपेडिक्स की, और $75,000 की NRI कोटा की फीस रहेगी। OBC की बात करें तो OBC की जनरल कोटा की जो टोटल सीट है वो 5 है और NRI कोटा में 1 है, और 48 लाख जो फीस रहेगी वो एनुअल फीस रहेगी जनरल कोटा की रहेगी OBC की, और $75,000 की फीस रहेगी वो NRI कोटा की रहेगी। दोस्तों, अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो इस कॉलेज में टोटल जो हॉस्टल फीस है वो 3,38,000 की है, यानी कि 3,38,000 की टोटल हॉस्टल फीस है, जिनमें हॉस्टल बोर्डिंग एंड लॉजिंग पर एनम की फीस जो है 3 लाख रहेगी। हॉस्टल आपके चार्जेस पर एनम का है वो 5,000 का रहेगा। ये सारे मिलाकर जो टोटल फीस है वो 3,38,000 की रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात किया श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, जो डीम यूनिवर्सिटी से बिलोंग हुई काफ़ी अच्छी पौंडीचेरी की मेडिकल कॉलेज है। हमने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हॉस्टल फीस और ब्रांच वाइज और सीट मैट्रिक के बारे में इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।